गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज लेसन 4 पेज नंबर 35। आप लोग कभी वो वाला गेम खेलते हो, नेम प्लेस थिंग्स एनिमल, इसमें क्या करते हैं किसी एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट से नाम लिखते हैं ना, नाम लिखेंगे किसी जगह का नाम, थिंग और एनिमल लिखते हैं। तो आपको सेम चीज़ खेलनी है एम लेटर और एन लेटर से, ठीक है। यहाँ पर जो दिया हुआ है ये देखो, एम से और एन से किसका किसका आपको नेम लिखना है, प्लेस का नेम, एनिमल और थिंग लिखनी है एम और एन से, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए से लिखा हुआ है। फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ज़ोर ज़ोर से इसको पढ़ना है कि एम और एन से आप लोगों ने कौन कौन से वर्ड्स बनाए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, एम और एन जो होता है वो नेज़ल साउंड होता है, ठीक है। मतलब आप जब एम बोलते हो तो कैसी आवाज़ आती है, एन बोलते हो तो कैसी आवाज़ आती, ठीक है। ये नेज़ल साउंड होते हैं। नेज़ल साउंड मतलब जो नोज़ का जो एयर पैसेज होता है, ठीक है, उससे ये साउंड निकलता है, ठीक है। अगर आप नोज़ बंद करके बोलने की कोशिश करोगे तो नहीं बोल पाओगे, ठीक है। ट्राई करके देख लो, बोलो नाउ क्लोज योर नोज़। देखो, नहीं मुझे तो नहीं बोलते बना, आप लोगों को बन रहा है क्या? नहीं बनता, ठीक है। नाक पकड़ के आप बोलने की कोशिश करोगे तो एम और एन साउंड आप नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि ये नेजल साउंड है, ठीक है। नाउ लिसन टू द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली, पे अटेंशन टू वेयर द एम एंड एन साउंड आर इन ईच वर्ड, ठीक है। तो एक मैं ऑडियो प्ले कर रही हूँ, आप ऑडियो ध्यान से सुनेंगे और एम और एन साउंड वाले वर्ड्स पे आप लोग अटेंशन देंगे, ठीक है। लिसन टू द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली, पे अटेंशन टू वेयर द एम एंड एन साउंड्स आर इन ईच वर्ड व्हेन यू रिपीट द सेंटेंसेस। द मंकीज मेड मच मेस। द मंकीज मेड, आई लव ईटिंग यम्मी टोमेटो जैम। Tim likes gum, jam, and ham. Nice nurses are never noisy. Honey the bunny was running down the road. This man has a clean green lawn. Take care. देखो, यहाँ बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको ये यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। मेक मी सम, फर्स्ट इज़ मेक मी सम, ठीक है। और इसका आंसर किससे स्टार्ट हो रहा है, वर्ड्स दैट बिगिन विद एम, एम से इसका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, मफिन्स, एम मफिन्स, ठीक है। नाउ Mary has a dash word with the M in the middle, ठीक है। तो Mary, इसका आंसर क्या है, जिसके मिडिल में M है। किसके मिडिल में M है, मिडिल में है lamb, lamb क्या बोलोगे, एक मिनट, जो आपको समझ आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे बोल देती हूँ हैमर। थर्ड इज कम होम डैश नेम ऑफ पीपल और एनिमल दैट एंड्स विद एम, ठीक है। ये किसी का नाम है जो एम से एंड हो रहा है, तो कम होम सैम, ठीक है। फोर्थ इज नेवर नज अ डैश वर्ड्स दैट बिगिंस विद एन, एन से स्टार्ट हो रहा है, तो एन से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे हम लिख देते हैं नेस्ट, ठीक है। एंड लास्टली मैन एंड वुमेन कैन डैश वर्ड्स दैट एंड विद एन, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा वर्ड आएगा जो एन से ख़त्म होता है, तो कॉइन, नहीं नो क्लीन, ठीक है, ठीक है।